हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 10वीं मुहर्रम है, ये साइड में आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पिछली मुहर्रम का है और यही जगह है जहां की जो है आप साइड में वीडियो देख रहे हैं 10वीं मुहर्रम का। ये वीडियो है 10वीं मुहर्रम का, आज दिन भी है, लेकिन उस दिन की जो है वीडियो हम देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, हज़ारों की संख्या में लोग जो है दिख रहे हैं आपको, लेकिन आज के डेट में जो है आपको यहाँ पे रोड पे जो है एक भी भीड़ नहीं दिख रही है जो वीडियो में आपको दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या मामला, लेकिन आपको पता होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है और प्रशासन द्वारा जो है किसी भी तरह का जुलूस निकालना, किसी भी तरह का प्रोग्राम करना जो है सख्त मना है। यहाँ तक कि जो है कहीं पे भी जो है 10-5 लोग साथ में इकट्ठा भी नहीं रह सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं मात्र 4 ही लोग इकट्ठा हैं, वो भी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और अभी कुछ पल ही जो है हमारे उरुंगा थाने के जो है एसओ साहब जो है अनाउंस करते हुए भी गए हैं, अगर रिटर्न आते तो मैं उनको भी जो है दिखा दूंगा आपको। लेकिन काफ़ी जो है मतलब बुरा भी लग रहा है कि आज के दिन जो है यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ होती थी, लोग आते थे, हम लोग भी काफ़ी यहाँ पे इंतज़ाम करते थे पानी उनी का लोगों को जो है पीने के लिए, क्योंकि जो है दूर दूर से के गांव से आते थे, 20 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, 20 गांव के या 50 गांव के लोग रहते होंगे और हज़ारों की संख्या, मतलब आज के दिन जो रोड आपको खाली दिख रही है यहाँ पे जो है कदम रखने भर की जगह नहीं रहती है, क्योंकि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इसी वजह से मैं उसका जो है प्रूफ भी साथ में लगा के चल रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये फर्जी है। हाँ, एक बार जो है मैं आपको जगह भी बता देता हूँ कि ये जगह कौन सी है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला की जो है पहाड़पुर गांव है, यहाँ पे जो है मुहर्रम का, 10वीं मुहर्रम का जो है मेला वगैरह लगता है, और लेकिन आज भी 10वीं मुहर्रम है तो बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि क्यों जो है आज मेला नहीं लगा यहाँ पर। और ये अपना घर, रोड के इस साइड भी जो है पूरी भीड़ होती थी, मेला आगे तक लगता था, सारी गाड़ियां खड़ी होती थी, वीडियो में इसी वजह से मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं। और इधर भी जो है वही हाल होता था, और पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी आ भी रही है, एसओ साहब उसमें जो है बैठे हुए जो है अनाउंस कर रहे थे, लेकिन अभी बोल के इधर से गए हैं तो इस वजह से जो है कुछ उधर से जो है साइलेंट मूड में आ रहे हैं, बाकी वो करीब आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे साथी पत्रकार जो है अरुण गुप्ता जी जा रहे हैं, पीछे देख सकते हैं कि एसओसी की गाड़ी जो है आ रही है, शायद रुकेंगे पत्रकार साहब से बात करने के लिए। ये रहे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है रोक है, इसी कारण से मुहर्रम का किसी भी प्रकार का कोई जो है जुलूस नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं, जिनको जो भी करना है अपने घर के अंदर सभी लोग कर रहे हैं। और ठीक भी है भाई, हम सेफ रहेंगे तो मुहर्रम का जो है त्यौहार अगली बार धूमधाम से मना लेंगे, इस टाइम जो है हमारे जो है सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी हमारा ही ख्याल करके जो है इस टाइम हमारे ही जो है सेफ्टी के लिए जो है वो लोग घूम रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई प्रोग्राम ना कर पाए, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हर जगह मौजूद होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम ही करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये लोग जो है अपना इस हिसाब से कुछ स्टेटमेंट लेंगे और फोटो वगैरह जो लेंगे। भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी ताजिया, कोई भी मूर्ति स्थापित ना करें और ना ही किसी जुलूस या झांकी में शामिल हो। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब त्योहार अपने अपने घरों में मनाएं तथा किसी भी प्रकार के जुलूस या झांकी में शामिल ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब त्योहार अपने अपने घरों में मनाएं, किसी भी प्रकार के जुलूस या झांकी में शामिल ना हो। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो है हमारे थाने की गाड़ी अनाउंस करते हुए जा रही थी कि आप लोग किसी भी तरह का जो है जुलूस ना हो करें, जो है किसी भी तरह का जो है मतलब भीड़ इकट्ठा ना करें, और गाड़ी अभी जा चुकी है। तो अब जो है मैं सोचता हूँ कि वीडियो को जो है मैं समाप्त कर दूँ, और आज देख सकते हैं एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते हमारे महताब भाई पीछे, आज के दिन वो भी जो है पकौड़ियाँ वगैरह बना के जो है दुकान लगाते थे, लेकिन मेला न लगने की वजह से वो भी आज अपने गाय की सेवा करने में जो है बिजी हैं।
और बाकी ये लोग भी जो है मेले को जो है याद करते हुए यहाँ पे खड़े हैं, मान ले रहे हैं कि मेला लगा हुआ है। अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन दबाना ना भूलें।